हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल सो हॉस्पिटल के अंदर जो ये मेडिसिन का प्रॉपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके रिलेटेड जो प्रॉपर सिस्टम होती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर So, be updated with the pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. Also, get study material, test series, video lecture, topic wise test series with proper solution and explanation. In that, you will get proper result analysis, rank based on your performance. So, get this all facilities regarding test series, video lecture, and study material on this app rocks Android एप्लीकेशन ऑन Google Play। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल क्या है तो हॉस्पिटल मतलब कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की जहाँ पर पे पेशेंट की क्योर की जाती है ट्रीटमेंट की जाती है बाय एंड स्ट्रेन मेडिकल स्टाफ फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर पे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज एंड ट्रेन मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है नर्सिंग स्टाफ और सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल इक्विपमेंट और साथ में है मेडिसिंस भी तो यह है हॉस्पिटल की जहाँ पे पेशेंट की अच्छे से क्योर की जाती है एंड ट्रीटमेंट की जाती है एंड इट इज़ वन ऑफ द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर या फिर हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के अंदर जो फार्मेसी अवेलेबल है कि जो पेशेंट को स्पेशली प्रोवाइड करेगी मेडिसिन कि जिसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मासी द फार्मेसी और द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविज़न ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट कि जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं कि जो कंसल्ट का भी काम करेंगे प्लस जो पिकअप पॉइंट पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करेंगे सो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वन ऑफ द बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी कि ये जो हम टॉपिक आज सीख रहे हैं कि ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉपर सिस्टम है वो हमें सीखना है तो उसके लिए मेन जो बैकबोन में जो है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वन ऑफ द बेसिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मेन सेंट्रल में कौन होगा तो वो होगा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी की वहाँ से अलग अलग हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट होगे वहाँ पे मेडिसिन का होगा डिस्ट्रीब्यूशन तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्पेशली फॉर इन पेशेंट सर्विसेज एंड आउट पेशेंट सर्विसेज की जो पेशेंट आईपीडी के अंदर है और जो पेशेंट ओपीडी के दौरान आते हैं सभी को ये जो हमारा फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करेगा कि जो अपॉइंट किया गया है इन्हें हॉस्पिटल सो फॉर दिस दे अपॉइंट द फार्मासिस्ट अब ये फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का उसको अच्छे से अचीव करने के लिए किसके अपॉइंटमेंट की जाएगी तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तो अब पता होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन है तो क्वालिफाइड पर्सन है कि जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफिकेशन है साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है फ्रॉम एनी स्टेट फार्मासी काउंसलिंग एंड हैवे लाइसेंस एज नॉलेज टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मेडिसिन तो यहाँ पे जो फंक्शन आ गया कि सेलिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किसका है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अवेलेबल है इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी सो द मेन रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ टू प्रोवाइड द राइट मेडिसिन टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम एट राइट डोज विदाउट डिले टू पेशेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म टू पेशेंट विच इज़ बेस सूटेबल फॉर हिम कि जो पेशेंट है उसको सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म प्रोवाइड करना है विदाउट एनी टाइप ऑफ डिले बिना कुछ डिले के डायरेक्ट लिए जो फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट को जो मेडिसिन है वो अच्छे से प्रोवाइड करनी है प्लस जो हमने राइट्स सीखे थे वो राइट्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मेडिसिनस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट मीन्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ड्रग्स एंड मेडिसिन टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ़ द हॉस्पिटल कि जो हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ये ड्रग्स है प्लस मेडिसिनस के जो भी अलग अलग डोजेज फॉर्म है कि चाहे इंजेक्शन है कैप्सूल है टैबलेट है सभी को अच्छे से अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज़ वेल एज़ टू ओ पी डी एंड आई पी डी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर साथ में जो ओ पी डी एंड आई पी डी के अंदर जो पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं उनको भी ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेन इन्वॉल्व होगा उनके अंदर भी तो इसके अंदर मेन जो की रोल है वो है फार्मासिस्ट का बिकॉज दे हैव हैवे नॉलेज रिगार्डिंग दिस मेडिसिंस तो फार्मासिस्ट अच्छे से ये मैनेज करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और दे आर इन ए की रोल ऑफ ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इन थ्री कैटेगरीज फर्स्ट इज़ वार्ड कंट्रोल सिस्टम ये जो अलग अलग वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल के उसके अकॉर्डिंग टू ये प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होते हैं कि वार्ड के अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं कि जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वार्ड होंगे होते हैं तो वार्ड के अंदर प्रॉपर कंट्रोल से सिस्टम की जिसके अंदर में और uh, जो नर्सिंग स्टाफ है अदर मेडिकल स्टाफ भी इन्वॉल्व होगा इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड है फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस् सिस्टम इम्प्रेस बेस सिस्टम मतलब कि जो फाइनेंशियल सिस्टम होती है बराबर किस तरह से मेडिसिन का पेशेंट्स uh, को दी जाती है उसका कॉस्ट वग़ैरह फिर कितनी उसकी प्राइस वगैरह है वो सब प्लस इन्वाइस जनरेट करके पेशेंट्स को मेडिसिन देना प्लस पेशेंट्स के अकाउंट में कुछ पैसे हो बराबर उसके अकॉर्डिंग टू उसको कौन सी मेडिसिन उसके अंदर इंक्लूड है वो सब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है कि पेशेंट का जो पर्टिकुलर कोई अकाउंट है उसके अंदर कितना उसका उसने कितनी कॉस्ट की वो मेडिसिनस ले रहा है वो सब प्रॉपर जो है वो फ़ार्मेसी कंट्रोल करती है मतलब कि मेन जो ड्रग स्टोर है उसके बेसिस पे ये सिस्टम है एंड थर्ड है फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट एश्यू सिस्टम पेशेंट एश्यू सिस्टम स्पेशली हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो पेशेंट आईपीडी uh, के अंदर है तो उसके रिलेटेड भी ये है कि फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट एश्यू सिस्टम के पेशेंट को कौन से टाइप की मेडिसिन ऐसी की जा रही है कौन से मेडिसिनस कितनी यूज़ हुई तो वो सब डिटेल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहेगा फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट इश्यू सिस्टम और इम्पैक्ट इम्प्रेस्ड बेस सिस्टम जो ज़्यादातर डील्स करता है ओ के दौरान तो डिटेल में सीखते हैं सबसे पहले कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में किस तरह से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम सीखते हैं तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल थ्री कैटेगरीज तो देखी बट सभी के अंदर सेंट्रल में इन्वॉल्व होगा ये मेन डिपार्टमेंट एक तो ओ डिपार्टमेंट एंड सेकेंड आपका आई डिपार्टमेंट तो चाहे डिपार्टमेंट आपका ओ का है या फिर आई ये तीनों के अंदर ये थ्री कैटेगरीज इन्वॉल्व हो सकती है ऑफ़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो ये तीन कैटेगरी में वार्ड कंट्रोल सिस्टम आएगा कि वर्ड कंट्रोल के अंदर स्पेशली आईपीडी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंदर ओपीडी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एंड जो थर्ड है फार्मेसी कंट्रोल पेशेंट डि सिस्टम जिसके अंदर आईपीडी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो ये है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो थ्री कैटेगरीज एम के लिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ख़ास पूछा जा सकता है इन एग्जामिनेशंस सो so, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ओ के अंदर किस तरह से मेडिसिन का होता है डिस्ट्रीब्यूशन तो वो हम अब डिटेल में सीखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ ए मेडिसिन इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं ओ तो ओ क्या है तो आउट पेशेंट्स रिफर्स टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड इन ए हॉस्पिटल क्लिनिक एंड हेल्थ सेंटर्स नॉट ऑक्यूपाई बेड्स मतलब कि पेशेंट जो है वो घर पे था ओपीडी के दौरान हॉस्पिटल पे आया कि समझे कि ओपीडी टाइम था आठ से लेकर दो का एट ए एम टू टू पी एम तक का ये ओपीडी टाइम था उस दौरान चेकअप करवा के मेडिसिन लेकर फिर से वो अपने घर पे जाता है तो ये हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या फिर आउट पेशेंट जिसको हम कहेंगे आउट पेशेंट विजिट द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ओ पी डी टाइम एंड वेंट टू होम द पेसेंट्स विथ माइनॉर एंड कॉमन इल्नेस गो टू ओ ओ पी डी फॉर कंसल्टेसन टू द फिजिशियन कि जब फिजिशियंस का अच्छे से कंसल्टेसन करना है तो सबसे पहले आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो पेशेंट्स अपना जो केस बनवाना होता है कि जिससे उसका रजिस्ट्रेशन होता है उसका केस पेपर वग़ैरह तैयार होता है और वो प्लस उसकी जो फाइल है जो यहाँ से ओ का जो मेन रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा वहाँ से उसको प्रोवाइड किया जाएगा फिर वो लेकर वो डायरेक्टली जाएगा फिजिशियंस के पास कि जहाँ पे फिजिशियन उसका अच्छे से चेकअप करेंगे कंसल्टेशन करेंगे एंड फिर उसको मेडिसिन का फर्दर जो आउट पेशेंट फार्मेसी है पेशेंट डिपार्टमेंट मेनली तीन कैटेगरीज के, के अंदर है फर्स्ट है इमरजेंसी के अंदर सेकंड है टर्सरी केयर एंड थर्ड इज़ द प्राइमरी केयर कि जब कोई पेशेंट ओ के अंदर आता है तो चाहे वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी लेता है टर्सरी केयर लेता है एंड प्राइमरी केयर ये तीन टाइप की सर्विस जो है उसको प्रोवाइड की जाती है इन ओ डिपार्टमेंट और उसी के अकॉर्डिंग टू जो मेडिसिन है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग द आउट पेशेंट टाइम ओ टाइम के दौरान और ड्यूरिंग द ओ सो सबसे पहले सीखते हैं कि इमरजेंसी पेशेंट कि इमरजेंसी पेशेंट क्या है प्लस उसको जो मेडिसिन किस तरह से प्रोवाइड की जाती है कि इमरजेंसी अ पर्सन गिवन इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केयर फॉर कंडीशन विच रिक्वायर्ड द इमीडिएट मेडिकल अटेंसन कि जब पेशेंट इस तरह से काफ़ी सीरियस uh, होता है प्लस कंडीशन काफ़ी इमरजेंसी होती है उस वक्त जो ये मेडिकल स्टाफ है वो इमीडिएटली एक्शन लेता है टू क्योर और टू ट्रीट दैट पेशेंट सफ़रिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ कंडीशंस और इलनेस तो इमरजेंसी पेशेंट है उसको भी जो मेडिसिन की जो ज़रूरत पड़ती है वो अच्छे से प्रोवाइड की जाती है इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेडिसिन का टू इमरजेंसी पेशेंट्स सेकंड है टर्सरी केयर ऑफ पेशेंट ही इज़ डायरेक्टली टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय ही इज़ अटेंडिंग ए मेडिकल प्रैक्टिसनर फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अदर देन एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट कि इमरजेंसी के अलावा भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये टर्सरी केयर जो है वो पेशेंट्स लेते हैं बाय अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिसनर मतलब कि जो उसके फिजिशियन है डॉक्टर है उसको ये पेशेंट है वो अटेंड करता है उसके मेडिकल प्रैक्टिसनर को कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर है उसके फिजिशियन है उसको कंसल्ट करता है वो उसको बना कर दे उसका प्रिस्क्रिप्सन और उसके बेसिस पर ये मेडिसिन या फिर फर्दर कोई ट्रीटमेंट लेता है सो एग्ज़ाम्पल ऑफ टर्सरी केयर सर्विसेज आर कैंसर मैनेजमेंट न्यूरो सर्जरी कार्डियक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट फॉर सीवरल बर्न्स एडवांस न्योनेटोलॉजी सर्विसेज पेलीटिव एंड अदर कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेस आर कवर अंडर द टर्सरी केयर ऑफ़ पेशेंट और ये सब जो है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या नेक्स्ट है प्राइमरी केयर ऑफ द पेशेंट द प्राइमरी केयर इज अ मेजोरिटी केयर इट इज डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ सर्विसेज एडूक्यट फॉर मीटिंग मोस्ट प्राइमरी केयर इज यूज बाय पेशेंट हु आर एम्बुलटरी एग्जांपल आर एबल टू मूव अबाउट फ्रीली एम्बुलेट्री बेस मूव सो प्राइमरी केयर जो है वो मेन इम्पोर्टेंट केयर है कि जब पेशेंट एडमिट uh, होता है या फिर जब ओ के दौरान वो आता है पेशेंट इन हॉस्पिटल तो सबसे पहले uh, वहाँ पे उसका अच्छे से डायग्नोसिस किया जाता है जो भी प्राइमरी केयर चाहिए वो दी जाती है कोई नर्सिंग फैसिलिटी चाहिए उसको उसका पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है रेगुलर उसके जो वाइटल साइंस है उसको भी चेक किया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग टू ओ के अंदर ये मेडिसिन जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती है सो प्राइमरी केयर इंक्लूड्स द हेल्थ प्रमोशंस डिसीज़ प्रिवेंसन हेल्थ मेंटेनेंस, काउंसलिंग एंड पेशेंट एजुकेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस इन ए वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग कि जो फिजिशन है वो सबसे सेंटर में है वो हेल्थ के प्रमोशंस के लिए अच्छे से प्लस डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए हेल्थ मेंटेनेंस के लिए पेशेंट का अच्छे से करेंगे काउंसलिंग पेशेंट को एजुकेशन करेंगे प्लस डायग्नोसिस किया जाएगा उसका अच्छे से ट्रीटमेंट की जाएगी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस इन वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन प्राइमरी हेल्थ केयर तो आप जान लेते कि क्या लोकेशन क्या रहेगा कि जो ओ के अंदर मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ज़रूरी है ये डिस्पेंसिंग तो इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर कि ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए ऑफ द बिल्डिंग द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट द प्राइमरी मेन फंक्शन इज़ द फार्मेसी रिसीव इट्स सप्लाई फ्रॉम मेडिकल स्टोर वीकली बट इमरजेंसी सप्लाई कैन ऑप्टेन ऐट एनी टाइम कि जो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग जो यूनिट होगा कि जहाँ से मेडिसिन पेशेंट्स को दिए जाते हैं तो सबसे पहले तो यह ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए जो हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर सेकेंड है आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया शुड भी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट कि जो भी पेशेंट्स आते हैं उसके लिए प्रॉपर आप सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था करिए कि जिससे वो वहाँ पर ड्यूरिंग द ओ पी डी टाइम बैठ सके और अपना रेगुलर जो चेकअप करवाना है या फिर फिजिशियंस को जो अटेंड करके डायग्नोसिस uh, करवाना है ट्रीटमेंट करवाना है उसके लिए वो वेट कर सके तो वेटिंग के लिए अच्छे से वेटिंग रूम के साथ साथ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए प्लस जो फार्मेसी रिसीव सप्लाई कि जो वीकली तो सप्लाई रिसीव करते ही फ्रॉम द मेन स्टोर बट इमरजेंसी के अंदर किसी भी टाइम पे प्रॉपर पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन्स टू आउट पेशेंट की आफ्टर चेकअप पेशेंट विजिट द फार्मेसी टू टेक मेडिसिन बेज ऑन द प्रिस्क्रिपसन कि समझे कि पेशेंट जो है वो घर से आता है फ्रॉम होम ये आपका पेशेंट जो है वो आ रहा है फिर ड्यूरिंग द ओ पी डी टाइम कि समझे कि ओ टाइम है आठ से दो बजे का एट एम टू टू पी एम तो वो अपना प्रॉपर चेकअप करवाता है फिर प्रिस्क्रिप्सन लेकर वो जाएगा फार्मेसी पे तो फार्मेसी पे वो अपना जो प्रिस्क्रिप्सन है वो अच्छे से दिखाएगा और फिर मेडिसिन लेके फिर से वो अपने घर जाता है तो इस तरह से है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट घर से पेशेंट आता है ओ के दरमियान उसकी ट्रीटमेंट करवाता है फिर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्सन वो अपनी मेडिसिन लेके फिर से अपने घर जाता है तो ये है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट नो मेडिकामेंट्स शुड बी एश्यू विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर द इश्यू हैज़ बीन मेड द क्वान्टिटी सप्लाइड मस्ट बी रिकॉर्डेड कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे मेडिसिन दी है उसकी क्वांटिटी सप्लाई सब अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं फिर मेडिसिन आर गिवन टू आउट पेशेंट फ्रॉम द फार्मेसी सिचुएटेड इन द आउट पेशेंट ब्लॉक कि जो ओ के पास से जो डिस्पेंसरी होती है फार्मासी स्टोर होता है वहीं से ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट्स को मेडिसिनस दी जाती है सो इस तरह से लेआउट आउट की आप देख सकते कि ओ पी के पास ही ये फार्मेसी है तो जो भी पेशेंट था वो उसने यहाँ पे अपना कंसल्टेशन जो भी था कि जो कोई इससे था वो बात कर सकता है और फिर उसके अकॉर्डेंट की जो भी उसकी मेडिसिन है वो पिकअप पॉइंट से फार्मास से पिकअप कर देगी जिसको हम कहते हैं विंडो फॉर डिस्पेंसरी की ये डिस्पेंसरी मेन स्टोर है अंदर की ओर रेफ्रिजरेशन फिर रैक्स ऑफ स्टोरिंग द ड्रग ये आप रैक वगैरह देख सकते हैं तो इससे पीछे की ओर भी रैक्स होंगे साइड में उसकी ऑफिस होगी फिर ये अलग अलग विंडोज़ कि ये आप देख सकते हैं कि, कि कंसल्टेसिंग विंडो है पिकअप विंडो है तो ऐसे अलग अलग विंडोज़ होते हैं फॉर डिस्पेंसरी एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर पेशेंट के इसके कंप्लीटली ऑपोजिट सामने पेशेंट को अच्छे से बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होगी तो ये हो जाता है लेआउट फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट तो अब किस तरह से मेडिसिन दी जाती है तो सबसे पहले आप देखो आर एक्स रिटर्न बाई द डॉक्टर फिर ये आर एक्स मतलब कि प्रिस्क्रिप्शंस को फार्मासिस्ट रिसीव करते हैं ये होगा फर्स्ट रिसीव करना फिर प्रिस्क्रिप्शंस को अच्छे से फीलिंग करना एंड डिस्पेंस टू पेशेंट वो होगा उसका थर्ड स्टेप उसके दौरान सिलेक्शन लेबलिंग एंड प्राइजिंग वगैरह है वो चेक की जाती है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो फिलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये तीन चीज़ इंक्लूड की जाएगी वो आप याद रखो फॉर एम सी क्यू कि सिलेक्शन अच्छे से लेबलिंग करना और जो भी मेडिसिन से उसको अच्छे से उसकी जो प्राइजिंग है उसके अकॉर्डिंग ये पेशेंट को पिकअप पॉइंट से उसको देना है अब डिस्पेंस टू मेडिसिन तो दो टाइप की है प्रिस्क्रिप्शन फील्ड की रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फ़ाइल एंड नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फ़ाइल उसके अकॉर्डिंग टू ये प्रिस्क्रिप्शंस को फ़ाइल किया जाएगा कि दो टाइप के प्रिस्क्रिप्शन आपको सेव करने हैं एक तो रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन और सेकंड है नारकोटिक्स के तो जो फार्मासिस्ट का ये फंक्शन है अच्छे से प्रिस्क्रिप्शंस को क्या करना फ़ाइल करना कि जो फ़ाइल होती है उसके अंदर आप अच्छे से प्रिस्क्रिप्शंस को फ़ाइल करिए और उनको अच्छे से सेव से करके रखिए फॉर फ्यूचर यूज़ेस कि जो भविष्य में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके रिकॉर्ड आपको किसी को दिखाने होंगे ड्यूरिंग द ऑडिटिंग और ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन तो ये जो फ़ाइल है सेव किए हुए है वो आप जो है वो दिखा सकते हैं फिर सेकेंड uh, है रिसिप्ट ऑफ पेशेंट फ्री मेडिसिन से तो फ्री कैश से पेमेंट कर रहा है जो भी उसका चार्ज है वो अच्छे से स्टेटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट आप जनरेट करोगे कि जिसको आप कह सकते हैं उसका इन कि जो इनवाइस है या फिर जो बिल है वो अच्छे से बना के फिर आप जो है वो लास्ट में मेडिसिन का बिलिंग लेते हो फ्रॉम द पेशेंट तो ये हो जाती है आउट पेशेंट की प्रॉपर एक्टिविटी चार्ट तो ये था हमारा पार्ट वन लेक्चर जिसके अंदर मेनली हमने सीखा आउट पेशेंट के बारे में पार्ट टू ऑफ द दिस लेक्चर विल कवर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट कि जो इन पेशेंट की जो आईपीडी के दौरान आईपीडी के अंदर एडमिट किए होते हैं उनके अंदर किस तरह से मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो हम सीखेंगे पार्ट टू ऑफ दिस lecture so good luck and all the best also use our app farmerox android application on google play for test series video lecture and study material so download this app farmerox android application on google play good luck and all the best